हमारे राजनीतिक विरोधियों ने पूरी साजिश करके और ये जो है षड्यंत्र रच करके मुझे और गरीब बेटियों की शिक्षा को रोकने के लिए ये कार्य किया। हमें न्याय पे भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। किसान बालिका इंटर कॉलेज खोला गया, उसमें सरकार ने पैसा दिया और सरकार ने एक आदेश किया कि इसका स्वामित्व राज्य सरकार का होगा और SDM उसके मेंबर हैं, जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक उसके सदस्य हैं। और उसके बाद भी FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज करके जो है सत्ता पक्ष के दबाव में जेल भेजा जा रहा है। हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि निरीह गरीब लड़कियों के लिए हम जो विद्यालय बनाया उसमें खून पसीने का हमारा भी पैसा लगा है। क्षेत्र की गरीब बेटियां 97 से लेकर आज तक बोर्ड का सेंटर रहता है और सारी बेटियां उसमें पढ़ती हैं और इंटरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा पाती हैं। जैसे ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट रचित तरीके से आपने जमीन पर कब्जा किया है। जब शासना आदेश है SDM महोदय के यहाँ सारी जो है वो कायदा 24 और सब में है, गांव सभा का प्रस्ताव हुआ है और प्रस्ताव के तहत वो जमीन अलाट की गई है। ये अलाट करने वाले SDM साहब हैं, वो उसके मेंबर हैं, DM साहब अध्यक्ष थे और वो उसको जिला विद्यालय निरीक्षक और DM ने एक कमेटी बनी, कमेटी ने उसको शासन संस्तुत किया, शासन से पैसा रिलीज हुआ, बिल्डिंग बनी, उसका यूटिलाइजेशन शासन में गया और 97 से लेकर के आज तक वो विद्यालय चल रहा था। हमारे राजनीतिक विरोधियों ने पूरी साजिश करके और ये जो है षड्यंत्र रच करके मुझे और गरीब बेटियों की शिक्षा को रोकने के लिए ये कार्य किया। हमें न्याय पे भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा।